उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 31 जुलाई को जनपद में आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर उनके संभावित कार्यक्रम स्थलों को मंगलवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडेन और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने स्थलीय निरीक्षण किया तथा वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता एवं जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा, जी सभी चीज़ें जो सिक्योरिटी की तैयारियां हैं वो हम एडवांस में ही देख रहे हैं और जिन जिन जो जो वेन्यू हैं उसमें एडवांस गार्ड लग जाएगी, चाहे वो ST चेक है या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल है, ट्रैफिक व्यवस्था सभी के लिए एक बार फिर से सारी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर दूर सभी चीज़ें, लगभग पूरा शहर ही इसमें इन्वॉल्व होगा। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि दो दिन VIP विजिट होने के नाते थोड़ा अगर अपने कार्यक्रम में पहले से टाइम स्पेस लेके चलेंगे, कहीं आपको कंजेशन मिल सकता है या लेट सवेर हो सकती है। और चूंकि पूरे शहर में ये प्रोग्राम है, एक कोने से दूसरे कोने भी जाना है, तो और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सादी वर्दी में लोग तैनात हैं, स्पेशल फोर्सेज PAC और सभी का इस्तेमाल करते हुए हम पूर्णतः सुरक्षित इसको बनाएंगे। कल और परसों दो दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसी पे जो कल सुबह आने के बाद ये दो जगह जाएंगे, एक तो गुरुद्वारा जाएंगे, गुरुद्वारा में कार्यक्रम रखा हुआ है, वहाँ जो पर्यटन विभाग माध्यम से तमाम विभिन्न योजना का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसी के बाद वहाँ जो सूरज कुंड में एक मंदिर है, शिव मंदिर प्राचीन काल का, उसी पे जाएंगे, उसी में भी जो तमाम विभिन्न कार्यक्रम का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और वहाँ से निकलने के बाद फिर शाम को अपने एक दो व्यक्तिगत कार्यक्रम रखा है। फिर परसों जो नया बस स्टेशन है जो नौसड़ में बना हुआ है उसी का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से भवापार में एक मंदिर है, उसी पे भी टूरिज्म जरिए से उसका मिला है, जो बजट मिला है उसको सौंदर्यकरण और पुनर्वास के लिए, उसी का करेंगे। उसके अलावा करीब 35 परियोजना है, तकरीबन 300 करोड़ का है, उतने परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।